पड़ा हुआ अपना डिफ और बेचारा सारा तेल से बाहर आ गया। ये चेक करें क्रैक किया, आपको पता है कि यार आउटलाइन है इस साइड से, आउटलाइन थोड़ी डिफरेंट है। ये चेक करें जी, स्विक आ गई आपकी, RX 8 आ गई, साथ ही साथ आप लोगों की जी वैगन आ गई यार। तो जी बॉयज अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल है मेरे भाई का? आप लोग सब फिट, आप लोग सब सेट है यार? आपका भाई मौजूद है आज आप लोगों की RX 8 के अंदर। और यार सीन क्या है, बैड सीन है, थोड़ा सा गियर इसका इशू कर रहा है यार, जो हल्की सी ना आवाज़ कर रहा है और मेरे माइंड में जाके ना, मतलब दिल को और दिमाग को लग रही है वो आवाज़। हमने संडे ट्रैक पे भी जाना है, तो मैं चाहता हूँ कि यार कोई रोला रूला गाड़ी के अंदर ना हो, गाड़ी लेके जाए, तो गाड़ी हमारी सुपर फिट हो यार। तो लेके जा रहे हैं अपनी RX 8 हम लोग सीधा काशी के पास, काशी साहब इसके गियर का कुछ करें, चेंज करना है चेंज कर दें, गरारी डालनी है गरारी डाल दें, साथ ही साथ वहाँ पे आपकी मॉक को खुली है। और आज हम कोशिश करेंगे कि हम लोग आज़म भाई के पास जाएँ और जाके आपकी सेलिका की अपडेट लें, क्योंकि इलेक्ट्रिशियन ने आके उसको एक वो लगाना था सेंसर, मैप सेंसर, जस्ट लाइक मैंने आप लोगों को पहले गाइड किया था, वो लग गया है, तुम्हारी गाड़ी क्लियर होगी। इसको भी ऑन रोड लेके आए, और जुमे को तो ब्लॉग नहीं मिलेगा आप लोगों को, पर आप लोगों को बहुत बहुत जुमा मुबारक। पहुंचते हैं बॉयज वर्कशॉप, आप लोगों को अपडेट करते हैं, आप लोग जुड़े रहे अपने भाई के साथ। आवाज जो आ रही है वो आप लोगों को सुना भी देते हैं, ये सुनिएगा आप लोग, ये हल्की सी आ रही है साउंड, ये आने लग गई इस तरह, जस्ट लाइक एक हिस्से की आवाज़ नहीं होती, उस तरह की एक आवाज़ आ रही है, पर आ गियर के अंदर से रही कोई गरारी फिर गई है या स्लिप होगी, क्या रीज़न है कोई नहीं पता यार, पर क्लियर करनी ऑब्वियस ही बात है, आप लोगों को पता चल ही गया होगा ये गाड़ी आप में से किसी के पास ही जानी है, आपके भाई के पास नहीं रोकनी, किसी ने स्वाप कराना है इसके अंदर बड़ा तो भी गाड़ी हाजिर है, और इस तरह भी लेनी है पर भाई ओके करके देगा आप लोगों को, गियर शेयर ओके करके, इंजन तो ऑलरेडी सेट है गाड़ी का, इसको सैटर ट्रैक पर ले जाके आप लोगों को घुमा के भी दिखाएगा कि यार घूमती है गाड़ी, मजे देती है। तो आप में से किसी को ये गाड़ी चाहिए तो नीचे आप लोग डिस्क्रिप्शन से भाई का नंबर ले सकते हैं यार। पहुंचे सीधा काशी के पास, आप लोगों को अपडेट कर, फुल फ्रेश 2000 रुपये का पेट्रोल आप लोगों के लिए, क्यों? क्योंकि यार अब 1000 रुपये के पेट्रोल में कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं बनता, आप पेट्रोल की प्राइसेस ही देख लें, सिर्फ 7 लीटर आया। और हमारी गाड़ी की एवरेज अच्छी है, इस फ्यूल के अंदर भी अच्छी चल जाएगी आराम से, इस फ्यूल के अंदर हम DHA हो के अपने फेरे पूरे मार के गाड़ी घुमा के आ सकते हैं, मतलब ये सीन है। तो इस हेयर भी यार, और आप लोगों की मार्क 2 लगी हुई यार बाहर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई क्या हाल है जी, ठीक है आप सब, खैरियत है? आप सुनाए सब ठीक है? मार्क 2 बाहर लगी हुई, इसका मतलब क्या है बॉयज? इसका मतलब ये है कि भाई आप लोगों की मार्क 2 ऑन रोड आ गई, इसको लेके जाना है हमने सेंसर वाले के पास, तो कहते हैं काशी साहब को गाड़ी लगवाए, आप लोग साथ रहे। ये चेक करें जी, स्विक आ गई आपकी, RX 8 आ गई, साथ ही साथ आप लोगों की जी वैगन आ गई यार, और वो लगी हुई है मार्क 2 आप लोगों की। अभी काशी गया है मार्केट, वापस आता मार्केट से तो इसको RX 8 को अंदर लगवाते हैं, इसका गियर खुलवाते हैं, गियर ओके करवाते हैं, साथ ही साथ मार्क 2 निकालते हैं, मार्क 2 को एग्जॉस्ट लगवाना है और उसकी ट्राई लेते हैं आप लोगों के लिए। तो ब्लॉग होने वाला कमाल सा, स्किप नहीं करना बॉयज, ये देखें दोबारा देखें, आहा हा। के लगा दी आप लोगों की RX 8 फुल, काशी साहब के पास गियर खोलने लगा, गियर खोलता है और देखते हैं कि क्या करना है भाई, बदलना है या इसी को हमने करना है रिपेयर। बाकी जादू साहब भी बस पहुंच रहे हैं, वो कहता है जी मुझे फ्लिप फ्लॉप मेरा वो जो है ना, पता नहीं, हाँ फ्लिप फ्लॉप ही है वो, ट्रंक ऐसे ऊपर जाके जो ऐसे नहीं हो जाता पूरा, जो सारे कर रहे हैं, हसन ने किया है, सारे सिविक वाले कर रहे हैं, कहता वो कर दो, मैंने कहा चलो यार आ जाओ, वो भी कर देते, हम भी नई वैरायटी लगा देते अपने व्लॉग के अंदर, इसका गियर ओके कराते हैं, इसके बॉयज मारते हैं फेरे पूरे खास आप लोगों के लिए, और मार्क 2 को भी देखते हैं, साथ ही साथ आप लोगों की बस लगी हुई है वो सामने बाहर, ये चेक करें, और ये पड़ा हुआ है बस का आपका इंजन V8, तो एक आपका भाई और ढेर सारे प्रोजेक्ट्स, आप लोग साथ जुड़े रहे ऐसे ही भाई आपका, आप लोगों को इंजॉय करवाता रहता है यार।
ये चेक करें बॉयज जी यार, लाइट्स आप लोगों की कही 70 के ऊपर यार, ये भी कंप्लीट हो रही है गाड़ी, निशाद भाई ने बनाई है, मुझे शक है पूरा पूरा उन्हीं से ही तैयार होती लाइटें, और कोई भी नहीं करता। अरे अब तुझे फ्लिप फ्लॉप डिक्की चाहिए कि नहीं चाहिए? सॉरी बोल फिर। सॉरी सर भाई, आपके लिए दाल मंगवाई है। ओए 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 मजे की, साथ साथ ही रोटी आ रही है। देखो दाल खिलाता है यार, यार ऐसी दाल है, तू सूंघ जाके एक बार हो जाएगा। तो भाई ये चेक करें इसको भी, प्रोजेक्ट को इंशाल्लाह हम लोग जल्दी कंप्लीट करके, लाइटें देख कर फ्रंट भी चेक करें, लाइटें बना के इसको लगा दी हैं। बहुत मज़ा नहीं दे रही, साइज बड़ा अच्छा था लाइटों का, पर चलो कोई बात नहीं। ऑनर्स चॉइस, फ्लिप फ्लॉप इसकी डिग्गी करनी, फ्लिप फ्लॉप होता है, हैं फ्लिप फ्लॉप ही होता है डिग्गी, फ्लिप फ्लॉप, फ्लॉप इसकी डिग्गी करनी है, फ्लॉप नहीं करनी, फ्लिप करनी है, फ्लिप फ्लॉप बॉयज इसकी डिग्गी करनी। चलते हैं अभी, पर पहले यार नाश्ता कर लें, रोटी रोटी खा लें, खाया कुछ नहीं आपके भाइयों ने। और ये चेक करें जनाजे पे जनाजे, ओए ओए चेक करें पेट्रोल डाल रहा है खास आपकी मार्क टू के अंदर, इसको स्टार्ट करें और इसका यहाँ पे हम बर्नआउट मारे आप लोगों के लिए भाईजन, बर्नआउट बस ठीक है, बढ़ा देना है, बढ़ा देना अली साहब। मार्क 2 का तो वो थोड़ा सा ना थ्रॉटल बॉडी का इशू आ रहा है, रेस सेट नहीं हो रही थी। इन द मीन वाइल हमने कहा मीन वाइल पकड़ लेते हो आप लोग, मेरा भाई के साथ नहीं भी पकड़ लेते, छोड़ते नहीं यार आप लोग। तो मीन वाइल हम लोग ये गाड़ी ले जाने लगे हैं अपना नईम भाई के पास। नईम भाई इसको निकाल के इसकी डेंटिंग शुरू करें, बैक बम्पर एक साइड कल हमने कर दिया था, आज उसी साइड हो रही है। गाड़ी चेक करें, लश पश लग रही है बहुत बड़ी, 4-5 दफ़ा आगे पीछे करनी पड़ जाएगी इसको, डब्बा पीछे करा भाई, दुकान पर लगा देना भाई, बर्नआउट तो नहीं मारती है, नहीं मारती, ब्रेक पे पैर रख। ओह ओके ओके ओके, इधर का टायर मारता है, चलो चलें बस बम्पर चेक करें एक साइड से आप लोगों को कैसा लग रहा है, लेके जाके लगाने लगाइए नीम के पास गाड़ी, और उधर आप लोगों की हो रही है जी मार्क 2। चले चले चले, पढ़ते नमाज पर बॉयज आप लोगों को पहले गाड़ी भी दिखा दे, सुबह से रात पड़ गई हम लोग बैठे हुए थे, सुस्त हो गए थे थोड़े से। ये चेक करें, ये साइड तो पूरी थी, इस साइड के ऊपर नईम भाई ने लगाया जैक और इसको पूरा सीधा कर रहे हैं अभी। ये नईम भाई ये भी पूरी साइड बन जाएगी जस्ट लाइक वो साइड है, उसी तरह ये साइड पूरी करके ना सारे जितनी भी जगह है खाली ये पुर करते हैं और आप लोगों का बम्पर पूरा यस करते हैं। पीछे आपके काशी भाई जो है वो हमारा आर एक्स सेट का गियर खोल के बैठे हुए हैं, देखते हैं चेंज होता है या रिपेयर होता है, ये लो इसका काम शुरू हो गए, तो देखते हैं कि चेंज होता है या रिपेयर होता है, क्या सीन होता है। मार्क 2 वाला हमारा मैकेनिक आज जो है वो थोड़ा बीमार है, सुबह से वो काम करेगा हमारी कंगी कब इंशाल्लाह। ओ भाई ओके बम्पर बना दिया है, हाँ 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 क्या बात है क्या बात है, चलते जाके नमाज पढ़ते हैं बाकी काम करेंगे। यार वो बात है, आप लोगों से बात करनी थी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जाजिब इमरान व्लॉग्स। ओके 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 बॉयज, इसकी अपडेट ये है इस गाड़ी की कि इसकी थ्रॉटल थ्रूटल जो थी ये लगी हुई थ्रॉटल, ये रेस नहीं सही करी थी, ओके कर दी है। अब इसकी यहाँ पे ना इसकी भट्टी बन के लगनी है हमारे तरीके से, ये तो लग गई है, अगली थोड़ी सी बक्से की वजह से थोड़ी चेंज होके लेगी और ये है कि हमारी गाड़ी ओके होके जो हो जाएगी पूरी, क्योंकि हम इस शोर के साथ जो है ना गाड़ी को चलाना नहीं चाह रहे, लोगों के जो है ना सर नहीं फाड़ना चाह रहे शोर से। भाई जान क्या बात है क्या बात है, क्या लोग यार लोग कहाँ से आते हैं, यू नो। तो अभी हम लोग चलते हैं वापस अपनी जीवन के पास, जीवन के पास चलते हैं, आ जाते हैं भाई के पास, आजम भाई के पास भी चल रहे हैं। भाई यार मैं नहीं जा रहा यार, मैंने जाना वहाँ नहीं यार, नहीं ना यार, चलें बॉयज निकलते हैं जीवन, देखते हैं आजम भाई के पास जाते हैं, मेरे डोले खत्म करवा के छोड़ेगा यार, मैं रास्ते में तेरा फुल वर्कआउट करवा, साथ रहे आप लोग बॉयज, चेक करें बॉयज पढ़ने से पूरा काम हो रहा है ताकि फर्क ना आए यार हमारा, इस साइड से ऊपर देखें और अब इधर से देखें, इधर से कच्चा भी किया हुआ नहीं, पक्का करने लगे पीस अभी, क्या बात है। ये बम्पर भी कंप्लीट करते हैं इस साइड से और इंशाल्लाह बड़ी जल्दी आप लोगों की गाड़ी बॉयज निकाल के हम लोग ले जाएंगे ऑटो चैनल, वहाँ से जाके पेंट करवाएंगे। साथ ही साथ में काशी वैन का यार गियर चेंज करते हैं भाई, मेरी RX8 का हमने संडे ट्रैक पर जाना है यार, संडे ट्रैक पर जाके गाड़ी शाड़ी घुमानी है, तो बस देखते हैं अभी चलते हैं काशी के पास जाके देखते हैं क्या बना हमारी RX8 का, टिल देन आप लोग साथ रहें। ये उधर ले जाएंगे तो सीधा हो जाएगा, एक एक चीज पे बॉयज इतनी देर लगती है, क्यों लगती है चेक करें, ऐसे टेपर रखना चाह रहे हैं साइड पे हम लोग, लगेगा यार लगाए नहीं भाई, हटाए यार दिखा दो, एक ये डिजाइन है बॉयज
इसमें सीधा हो रहा है, बुरा लग रहा है, ये भी सीधा है, ये भी सीधा है, और ये कर्व है, वो साइड पे रख के दिखाए ना, इधर क्या कहते हैं, इधर रख के, इस तरह ये टिपर चल रहा है, जैसे ये टिपर चल रहा है, ये डिजाइन यहाँ चल रहा है ना, वो डिजाइन वहाँ चला रहा है, वही तो कह रहे हैं हम, वही तो कह रहे हैं हम, तो मुझे क्यों पागल बना रहे हो, सीधा पीस ला रहे हैं, सीधा पीस कब ला रहे हैं, हम तो सिर्फ डिजाइन दिखा रहे हैं, चले नहीं भाई बनाए समझ आ गई, ये यहाँ टेपर चल रहा है, उस तरह यहाँ टेपर चलेगा, मिड में सीधा, बाकी दोनों टेपर, क्या बात है, ये भी बम्पर पूरा कंप्लीट करते हैं आप लोगों के लिए, आज ऐसे नहीं उठना, चलिए यार काशी के पास चले, काशी को मिले जाके, उसे कहीं हमारी आर एक साइड दो, हमने घुमानी है बॉयस, बनाओ यार फिर इधर आ गए हम लोग, और ये गियर पड़ा भी इसको चढ़ा के लगाने लगे हैं यार, क्योंकि मेरा माइंड नहीं जा रहा यार कि मेरी बेरिंग की तरफ जाए, मैं चाह रहा हूँ हम लोग कि इसको फुल फिट कर दें, ताकि यार हम फेरे शेरे मारे, आगे भी किसी के पास जाए वो फेरे मारे तो उसको मसला ना होना यार, गियर चेंज कर रहे हैं ना, सही है, मैंने कहा यार गियर बता यार, आज वर्कशॉप सीन देखो, लेग्जिस शेग्जिस आरएक्स सेड, यू नो दिस इज एलएसएफ स्पोर्ट्स, ओह माय गॉड, इन द अदर व्लॉग, आई होप बेबी, या इट्स इंजन डीजल, ओके, सो सून ऑन टू, यू नो 2 सेकंड्स 100. Oh my God. Oh. Back to G-Wagon. और ये बम्पर देखें और बताएं कि सही लग रहा है कि नहीं लग रहा, अगर सही लग रहा है ना तो इसको नीचे गालियां निकाल दे भाई, अभी मैं एक चीज बताता हूँ, एक चीज ये बन गई है, इसको आप लोग नोट करें और बताएं कैसा लग रहा है, पक्का नहीं हुआ, ठीक है, दूसरा डिजाइन ये भाई, दूसरा डिजाइन भाई को करना चाहिए था, वहां पे भाई बोला ही नहीं यार, अब ये मुझे पता लग गया, अच्छा ठीक है, बात सुने, यहाँ पे अगर मैं लगाता हूँ ना ऐसे, ठीक है, और ये अजीब बन रहा है यहाँ पे, इसको गाइड करने दें ये क्या चाह रहा है, फिर हम वो लगा के दिखाते हैं यार, ये जैद राजा जो है ना हमारा थोड़ा जज्बाती हो गया, चल अब दिखा दे रहा डिजाइन, तूने क्या बनाया, ये लो ये बनाया भाई, इसने डिजाइन समोसे जो है हमारे वो थोड़े से प्रोमिनेंट है, उस साइड के अंदर समोसों के साथ साथ हमारी आउटलाइन जो है वो भी प्रोमिनेंट है, तो जैज ब्रो को वो साइड अच्छी लग रही है, ये साइड ऑफ कर दी है हमने, उस साइड को हम लोग डन करने लगे, ये साइड एक बार देख ले, इसको डन करने लगे, अच्छी लग रही है, सिमेट्री में लग रही है, अभी इसको सीधा करेंगे, पक्का करेंगे, चलो भाई यार एक सेट निकालें, चले नहीं भाई, नहीं भाई यार थैंक यू सो मच यार, कमाल काम हो गया मेरी जान, मजा आ गया, ये चेक करें बम्पर पूरा सीधा हो गया, गाड़ी पूरी सीधी होगी, बस हम आने वाले कुछ दिनों के अंदर सीधा गाड़ी पेंट में आप लोगे यार, ये नीचे घुसाया था वापस भी निकाल लिया, बच्चों की फुल मेहनत लगी है, पर चले कोई नहीं, काम नहीं चला इसके साथ यार हमारा, अब ये है कि यार इसकी हाउसिंग बदलेगा या दूसरा गियर अपना रिपेयर लगा देंगे, दूसरा गियर लगा देंगे, बोले जी ये वाला गियर भी नहीं लगा, सुबह दूसरा गियर मंगवाते हैं, क्यों आशु भाई ठीक है, फिर दूसरा गियर मंगवाते हैं वो लगाते हैं और आप लोग गाड़ी ओके करते हैं, आप लोग रहें साथ, चलिए बोले जी वहाँ से छुट्टी मिली है और आ गए हैं भट्टी साहब के पास, भट्टी साहब ने ये चेक करें बैक लाइट हमारी बदल दी है, क्या ही बात है, क्या ही बात है, नहीं होगी बैक लाइट, दूसरा भट्टी साहब अंदर ये चेक करें इसके स्विचेस सारे नए लगा रहे हैं हमारी बीएम के, ये चारों के चारों नए स्विच आ गए थे, भट्टी ब्रो क्या हाल है, ठीक हो फिट हो, तो ये स्विच भी सारे इसके फिट कर रहा है, कल के दिन हम लोग इधर से गाड़ी निकालेंगे, कोशिश करेंगे फ्री हो जाए, फिर इसका इंटीरियर के काम शाम करा के गत्ते कुत्ते ओके करा के इस गाड़ी को हम लोग चलता बनाया करेंगे, क्योंकि जी आगे आपको पता है बहुत ढेर सारे काम है, बहुत सारी गाड़ियाँ रोकी हुई हैं, ये छोटे छोटे से प्रोजेक्ट हैं, ये चेक करें ना पेंट क्वालिटी चेक करें कैसी नज़र आ रही है बाप लोगों को, फुल प्यारी होगी गाड़ी निकालने पहले एक बार दोबारा इसको हम लोग पॉलिश करवा लेंगे, तो चलते हैं आज के लिए इतना यार, जिमशिम करते हैं, बड़ी छुट्टियाँ होगी हमारी, सुबह मिलेंगे साथ रहें, तो ले जी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है जी, डिफ ऑयल से संडे का दिन है और हम लोग किधर जा रहे हैं बॉयज, हम लोग जा रहे हैं आज़म भाई के पास, आज़म भाई के पास क्यों जा रहे हैं आपको पता है, हम जो कल काम कर बैठे थे अपना डिफ उड़ा बैठे थे, तो आज़म भाई ने डिफ आज के दिन में ही मंगवा के आई थिंक सो 4-5 बजे कॉल आ गई थी कि भाई डिफ नया आ गया, वो फिट करें आपकी गाड़ी को, आप ऑयल लें और आप पहुँचे मेरे पास, तो हम हैं भाई ऊबर के ऊपर, डिफ ऑयल पकड़ दें सीधा आज़म भाई के पास पहुँचते हैं, आप लोगों को अपडेट करते हैं साथ रहें, ले जी बॉयज़ पहुँच गए हम लोग अपनी आर एक्स सेड के पास, फुल उन्होंने ऊपर उठाई हुई है, छुट्टी का दिन है पर यार ख़ास हमारे लिए मेहनत हो रही है, और आते साथ ही यार भाई ने मुझे बोला है कि इसके ना ही कार्टर के बोल्ट टाइट थे ना ही शाफ्ट के बोल्ट टाइट थे, दोनों चीज़ें शाफ्ट के बोल्ट वो मैकेनिक वाली जुबान में भाई शाफ्ट कह देता है ना, तो ये कि शाफ्ट के भी कोई भी बोल्ट टाइट नहीं थे ना ही गार्टर के बोल्ट टाइट थे, वो कहते हैं जोर पड़ा है खिंच पड़ी है, अभी गाइड करेंगे कि किस तरह हमारा डिफ, क्योंकि डिफ यार मैं नहीं मान सकता कि डिफ गाड़ी का, चलो अंदर कोई करारी फिर जाए टूट जाए समझ आता है,
आउटर पार्ट टूट गया और उस टाइमिंग में देखो हम ड्रिफ्टे मारते सब कुछ चलते हैं, उस टाइमिंग में गाड़ी सीधी चल रही थी, गाड़ी मसला भी कोई नहीं कर रही थी। मुझे गाड़ी निकालते साथ ही फील हुआ था कि यार मेरी गाड़ी जो है ना वो मज़ा नहीं दे रही है, एक जो मतलब जो स्लिप होती है ना जो पावर होती है वो नहीं दे रही मेरी गाड़ी। तो खैर अभी इससे जो लड़का काम कर रहा है इससे आप लोगों को पूरी इन्फो लेके देता हूँ कि क्या क्या मसला था, गाने चल रहे हैं इसके गाने काम कराता हूँ उससे आप लोगों को सारी इन्फो देता हूँ कि हुआ क्या था, फिर निकालते हैं गाड़ी की ट्राई लेते हैं और आप लोग अपडेट करते हैं, आप लोग साथ रहें। लेबर इस गाड़ी के नीचे आ गई और ये चेक करें जी, पूरा डिफ नया लग गया हमारी गाड़ी का और जो रीज़न जो बनी है वो टूटने की वो ये कि शाफ्ट के जो हमारे नट बोल्ट है ना यार वो कसे नहीं हुए थे पूरे, वो लूजिंग में थे, वो सही तरह कसे नहीं हुए। इस लड़के ने काम किया उसने खुद यहाँ से कसे उन बोल्टों को ना, और कुछ बोल्ट काम भी थे वो नया लगाया, उधर का भी पीछे का भी नया लगाया, तो ये काम ख़राब हुआ है यार सारा। गार्डर भी हमारा सही तरीके से टाइट नहीं था, कसा नहीं हुआ था मेन गार्डर, जब सही टाइट होगा तो फिर ही गाड़ी ने सही चलना है ना, ये सीन है। तो बहरहाल चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि यार इसका जो पुराना जो हमारा पड़ा हुआ डिप यार एक नट ना टाइट करने की वजह से आपके भाई को हैवी किस्म की आज क्योंकि इसे कहते हैं ना हैवी, एक तो रात की खबारी 4-5 घंटे की और दूसरा फिर ये काम आपके सामने, खर्चा तो डबल पड़ गया ना आपके भाई को। बहरहाल चलते हैं आपको ले जाकर दिखाते हैं हमारा जो पुराना डिप है उसका क्या हाल हुआ। तो संडे वाले दिन हमारे भाई लगे हुए यार काम पर फुल टाइम मेहनतों पर, चले बस ये पड़ा हुआ अपना डिफ और बेचारा सारा तेल सेल बाहर आ गया, ये चेक करें क्रैक यहाँ से चला है क्रैक, चलते 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 पूरा ये सारा टूट गया इधर से, और जब टूटा तो ये देखें यहाँ से भी सारा ये सारा क्रैक हो गया, वो नीचे तक सारा क्रैक जा रहा है इसका, वो बेहतरीन उस साइड से तो ठीक ही लग रहा है पर जब टूटा तो जाहिर सी बात है अंदर इसका काम सारा ख़राब हो गया बेचारे का। बहरहाल कोई नहीं, नया डिफ लगवा लिया और क्या कह सकते हैं यार, करते हैं इसका हल। कोई जिन बच्चों ने नट टाइट किए उनकी जाके क्लास लगवाते हैं कि यार इतनी छोटी सी गलती की वजह से इतना बड़ा नुकसान, ये टफ डिफ जो है कम से कम 25,000 रुपये का डिफ है, ये भी हमारे लिए मार्केट में हम जाओ तो शायद आई थिंक सो इससे भी ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। तो बहरहाल आज संडे है, कल है मंडे, कल इंशाल्लाह इलेक्ट्रिशियन का आवे सामने आपकी सिलिका लगी हुई कि यार इसका लेके आओ मैप सेंसर, जो आफ्टर मार्केट वाला मसला इसलिए हो रहा है टाइम ज़्यादा इसलिए लग रहे हैं कि आफ्टर मार्केट सेंसर है वो हर किसी पर अवेलेबल नहीं होता, अवेल तो करवा लिया, अब इलेक्ट्रीशियन बुलाना चाह रहे हैं कि यार जो आए और आके उसको लगाए सेंसर हमारा और हमारी गाड़ी ओके करके दे। तो बस वो इंशाल्लाह आपकी गाड़ी सामने लगी हुई, ऑयल लड़का डाल रहा है, ऑयल डाल ले, निकालते हैं गाड़ी और रोटी छोटी खाते हैं, रेस्ट मारते हैं, यू नो संडे आज बॉयज़। ले जी गाड़ी आपकी फाइनली स्टार्ट हो गई है और तेल शेल ले आया था भाई, 2 लीटर ऑयल डाल गए, चेक करें जी 2 लीटर पूरा ऑयल भी डाल गया साइड पर, मैं बैठ गया मेरी जान, अब कसाइयाँ पूरी मरवाएं और हम निकले यार घर को। ऑयल शेड डलवा के गाड़ी अपनी ओके करके हमने नीचे भी उतरवा दी जैक से, साथ ही साथ जयदीप की गाड़ी पे नज़र पड़ी तो ये चेक करें यार 3GR अंदर आ गया और ऐसे आया कि जैसे यार जेन्युइन गाड़ी का होता है पूरा पूरा, मीन लाइक बिल्कुल उठा भी नहीं हुआ, अपनी हाइट भी सही है और माशाल्लाह यार बड़ी अच्छी इसकी ऑल्ट्रेशन हुई है, वो चेक करें, वो इसका बना है ब्रैकेट, ब्रैकेट साथ वो लगा है इसका माउंटिंग और नीचे का ब्रैकेट चेक करें, साथ ही साथ इस साइड को भी अगर आप लोगों को दिखाऊं तो वो चेक करें माउंटिंग ब्रैकेट साथ ही साथ नीचे ब्रैकेट चेक करें, पूरा एक्यूरेट अपनी जगह पे बैठा है यार माशाल्लाह वेरी नाइस। और बस अपनी गाड़ी निकालते हैं प्यार प्यार से इसकी ट्राई लेते हैं, कभी कह रहे हैं 1-2 दिन इसकी रनिंग करें ड्रिफ्ट की भी, क्योंकि काबिली होते हैं बड़े होते हैं खींचेंगे या ज़्यादा ड्रिफ्ट करेंगे तो फिर कोई मसला मसाइल भी हो सकता है। तो संडे का दिन है, आज के दिन भी भाई आप निकल आया था, मैंने कहा यार अपनी गाड़ी को ओके करवाएं, तो बाकी का सीन बॉयज़ करेंगे कल, अभी निकलते हैं पहले ट्राई लेते हैं गाड़ी की आपकी, फिर करते हैं व्लॉग को कल के लिए सीन करते हैं फिर व्लॉग का साथ में। तो ले जी ट्राई के लिए निकाल रहे हैं आप लोगों की गाड़ी बॉयज़ बाहर और अल्लाह खैर करे ओके चले गाड़ी बिल्कुल। हाँ जी मेरी जान ये सही काम आपने, सही है काम ले बॉयज़ मिल गई हमें रोड और हम लेने लगे इसकी ट्राई, चेक करें जी क्या करती है गाड़ी, गाड़ी तैर गई इसकी अलाइनमेंट एक दफ़ा कैम्बर शैम्बर और ये सारी सेटिंग एक बार करा लेंगे
जो गाड़ी हमारी साइलेंट होनी चाहिए थी यार वो हो गई है बॉयस। एमी भाई ने गियर खुलवाया था यार। चलो कोई नहीं, यहाँ से यूटर्न लेते हैं, भाई को ड्रॉप करते हैं, हम लोग निकलते हैं, आप साथ रहें। मैं जी फ्रेश, कोई 2000 रुपये का हमने पेट्रोल डलवा दिया, वो चेक करें गाड़ी के अंदर और साथ ही साथ निकालते हैं आप लोग को। थोड़े से मंडे चेक कराते हैं यार गाड़ी के, जो कि बहुत ज़रूरी है। अब गाड़ी बहुत मज़े की चल रही है, बहुत सही वाला मज़ा दे रही है, तो आप लोग साथ रहें। चले जी आप लोग को स्पिन दिखाते हैं। गाड़ी मेन रोड पर निकाल के फ्यूल डलवा लिया, सुई थोड़ी स्लो इसके ऊपर जाती है यार। चलें कोई नहीं, निकालते हैं, टैक्स लगाएं और आप लोगों को स्पिन चेक कराएं गाड़ी का यार। गाड़ी तो कहती है भाई अब तो बस मैं उड़ना चाहती हूँ यार, लिटरली बहुत प्यारा स्पिन मारा गाड़ी ने। और कल मैं चाय साहब को ये कह रहा है गाड़ी स्पिन नहीं दे रही भाई, मजा नहीं आने वाला, कह रहा नहीं स्पिन सही है, अब गाड़ी सही स्पिन दे रही। किसी कट पे भाई इसको स्पिन देगा गाड़ी को, फिर आप लोगों को दिखाता है गाड़ी करती क्या है, ये चेक करें इधर। खाना पीना लेके अपना, तो टिल देन आप लोग साथ रहे यार, एंजॉय करते हैं भाई। संडे को आज भाई देखे अकेला यार आपका, कोई नहीं है साथ आपके भाई के, सिर्फ दो ये मीठे मीठी चीजें पड़ी हैं आपके भाई के पास। मजा आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करें, हम मिलेंगे सुबह अपने काम करते।